दोस्तों आमिर खान के भांजे इमरान खान बीते 4 साल से लाइमलाइट से दूर है। आखिरी बार इमरान खान कट्टी बट्टी फिल्म में नजर आए थे। इस बीच दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि इमरान खान की निजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही। इमरान खान और उनकी पत्नी अवंतिका के रिश्तों में खटास आने की खबर आई है। इमरान और अवंतिका की लव मैरिज हुई थी। दोस्तों डीएनए ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अवंतिका और इमरान के बीच में कई तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बात यहां तक बढ़ गई है कि अवंतिका ने इमरान के मुंबई के पाली हिल में बने घर को भी छोड़ दिया। खबरों की माने तो दोस्तों वह इस वक्त अपने परिवार के साथ में रह रही है। कहा जा रहा है कि अवंतिका और इमरान का परिवार दोनों के बीच में हुए मतभेद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इमरान खान ने साल 2011 में लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवंतिका के साथ में शादी रचाई थी। अवंतिका और इमरान की एक बेटी है जिसका नाम है इमायरा। फिल्म करियर की अगर बात करें तो दोस्तों इमरान ने साल 2008 में आई फिल्म जाने तू या जाने ना फिल्म से जेनेलिया के साथ में अपने करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो दोस्तों सुपरहिट हुई और इमरान का करियर भी ठीक ठाक चल पड़ा। इस फिल्म के बाद में इमरान खान कई सारी फिल्मों में नजर आए, लेकिन दोस्तों अपने मामा आमिर खान की तरह इंडस्ट्री में कुछ खास जगह नहीं बना पाए। इमरान खान को बॉलीवुड में 11 साल हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों साल 2015 के बाद में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। इमरान खान ने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करना शुरू किया था। दोस्तों आमिर खान की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म में इमरान खान ने आमिर खान के बचपन का किरदार निभाया था। ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी। इसके बाद में 4 साल बाद इमरान खान ने जो जीता वही सिकंदर फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में भी दोस्तों आमिर खान लीड रोल में थे, जिसमें इमरान खान ने उनके बचपन का किरदार निभाया था।